सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी सगा जानते हैं कि मैं गोंड गोंडी गोंडवाना से संबंधित जानकारियां लाता रहता हूं, जो आपके लिए जरूरी है, साथ ही समाज के प्रत्येक सगा के लिए भी जरूरी है। और इसी कड़ी में आज पुनः आप सभी सगा के लिए एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल आओ गोंडवाना को जाने परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सगा साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोइतूरों कोयवंशी में अपने त्योहार तीज पर्व मनाने का अपना एक अलग तरीका है, एक अलग सिद्धांत है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी छिपा होता है। हम अपने त्योहार व पर्व से आने वाले समय का निर्धारण करते हैं, योजना बनाते हैं या अपने पर्व मनाने से आने वाले समय के लिए पहले से एक रणनीति बना लेते हैं। कहने का आशय है कि हमें पहले से ही पता होता है कि आगे चलकर कौन कौन से हमें कदम उठाने हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी है। और मेरी इन्हीं सारी बातों की पूर्ति करता है बिदरी पर्व। जी हाँ, कसी करने से पहले की एक ऐसी संस्कृति जिसमें खेरोदाई की सेवा व उनसे आशीर्वाद लेने के बाद आशीर्वाद स्वरूप अनाज ग्रहण करके कसी का कार्य किया जाता है। आज भी हमारे गांव में प्राचीनता की चादर ओढ़े बिदरी पर्व मौजूद है, जिसमें गांव के सभी मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति लय लयोर पूरे हाव भाव के साथ बिदरी पर्व में शामिल होते हैं और यह कार्य करने के लिए एक दिन पूर्व ही गांव में बैठक रख के बिदरी मनाने के लिए चर्चा परिचर्चा कर ली जाती है या कुछ दिन पूर्व ही चर्चा हो जाती है और समय निश्चित कर लिया जाता है कि 11 या 13 के दिन हम बिदरी का आयोजन करेंगे। उस दिन गांव के समस्त सगा नहाकर अपने घरों से टोकरी में अनाज लेकर खेरों में उपस्थित होते हैं और इसी टोकरी में काफी सगा समाज कुसिया लेकर भी आते हैं, जो कि जुताई करने वाले हल में उपयोग की जाती है। सभी टोकरी अपनी पहचान के साथ खेरोदाई के स्थल में रखी होती हैं और जिसे जिस प्रकार की आगामी खेती करनी है वह उसी बीज को लेकर आता है। गांव के कुछ सगा वहीं पर गक्कड़ बनाने का काम भी करते हैं, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप सभी को दिया जाएगा। इसी दौरान कुछ लोग खेरोदाई के सामने ही छोटा सा खेत बनाकर उसमें कुसिया से जुताई करते हैं, पानी डालते हैं, मचौवा भी करते हैं और फिर उसी छोटे से खेत में बीज डालकर बोनी भी कर दी जाती है और पुनः कुसिया के माध्यम से जोत दिया जाता है। इसके बाद पलाश या चूला के पत्ते से बने जानवर को खेरो माई के स्थान से लाकर खेतों में फसल नुकसान के लिए डाला जाता है। तो कुछ किसान बने सगा उन जानवरों को मारते हैं, भगाते हैं, यानी वह सारी प्रक्रिया वहां पर की जाती है जो आने वाले 3-4 महीने उन्हें वास्तव में देखनी है। यह कृषि का कार्य पूरा करने के बाद फिर सभी खेरों में उपस्थित होते हैं। वहां पर पंडा बाबा के माध्यम से एक एक मुट्ठी अनाज सभी अपनी अपनी टोकरी में ले लेते हैं। यह खेरो माई का आशीर्वाद होता है, जिसे लोग अपने घर ले जाएंगे और उस आशीर्वाद स्वरूप अनाज को उस अनाज में मिला देंगे जिसे खेतों में बोना है। जब सभी प्रकार का कार्य संपन्न हो जाता है, सभी को बीज वाला अनाज मिल जाता है तो जो गक्कड़ बना होता है उसका भोग खेरोदाई को देते हैं और सभी सगा समाज एक साथ बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सभी प्रकार की चर्चाएं भी हो जाती हैं। पंडा बाबा के लिए जो भी जिस प्रकार का सीधा लाया रहता है वह उन्हें सेवा स्वरूप दे देता है और इसके बाद सभी सगा अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर बिदरी पूजन समाप्त होता है और गांव में कृषि का कार्य आरंभ होता है।
इस प्रकार की प्राचीन संस्कृति परंपरा के साथ हम सभी सगा अपने खेतों में कृषि का कार्य करते हैं। अपने आप में गूढ़ रहस्य लिए यह परंपरा संस्कृति पर्व आपके क्षेत्र में मनाया जाता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी बिदरी में और कुछ भी आपके यहाँ अगर होता हो तो वह भी जानकारी कमेंट में जरूर साझा करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार।